वही धमतरी में डाक पार्सल के नाम पर एक व्यक्ति से 3,66,000 की ठगी करने का मामला सामने आया है। वही कोतवाली पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि धमतरी शहर के रसाईपारा निवासी सविंदर सिंह खालसा के पास एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया, जिसने अपने आप को एक कोरियर कंपनी का कर्मचारी बताया और सविंदर सिंह को बताया कि अपने नाम से एक डाक है, आपके नाम से एक डाक है, जो कुरियर पता अपडेट ना होने के कारण डिलीवर नहीं हो पा रहा है। वही अज्ञात व्यक्ति ने सविंदर सिंह को उसके मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करवाया और पते को ऑनलाइन अपडेट करने की प्रक्रिया बताई। फिर अज्ञात व्यक्ति ने उसे कहा कि पता अपडेट हो गया है, 24 घंटे के बाद डाक डिलीवर हो जाएगा, जिसके बाद सविंदर सिंह खालसा के विभिन्न बैंक खातों और क्रेडिट कार्ड से रकम गायब हो गया। फिलहाल कोतवाली पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। प्रार्थी सविंदर सिंह खालसा के द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उसके द्वारा बताया गया था कि डुप्लीकेट आरसी बुक को मंगवाया गया था, जो उसमें एक कुरियर कंपनी के द्वारा फ़ोन किया गया कि आपका पता सही नहीं है, अपडेट नहीं है, तो अपडेट करने के नाम से कस्टमर सपोर्ट नाम से एक एप्लीकेशन उसके मोबाइल पर डाउनलोड करवाया और एक OTP का मांग किया गया। इसके द्वारा OTP जो है भेजा गया, शेयर किया गया, जिसके माध्यम से उसके खाते से कुल 3,66,000 रुपये का ठगी हो गया है, जिसके संबंध में प्रार्थी के द्वारा FIR करवाया गया है। मामले में धारा 318(4) BNS के तहत FIR दर्ज कर विवेचना की जा रही है।